मथुरा से हमारे साथ सपना, स्वागत है आपका। हेलो गुरु हाँ जी आदा। जी। हाँ, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। पूछिए। हाँ, मेरी बेटी को एक तो मेंस से नहीं होती है, एक तो उसे मानसिक परेशानी है, तो उसका आगरी का इलाज चल रहा है, डिप्रेशन में रहती है। और उसकी मेंस नहीं होती है, जब से दवाई चली है ये 4-5 साल से महीने से नहीं होती है। और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम बताई है, और उसे थायराइड की है, एज क्या है उनकी? और वजन भी बहुत बढ़ गया है उसका। एज बताइए। ठीक। एज उसकी है 29 साल है, 29। हाँ देखिए, सिर्फ थायराइड का इलाज करें आप उनका, तो बाकी सब समस्याएं हल हो सकती हैं। आगरे का इलाज उनका चलने दें, और धनिया 300 ग्राम, जो धनिया घर में होता है, रॉ मटेरियल ही लेके घर में पाउडर बनाए तो बड़ा असरदार होता है। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम गौंद मोरिंगा डालें और पाउडर बना लें। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम खिलाएं खाली पेट, और रात को सोते समय गर्म पानी दिया करें। और इसको ना गर्म पानी 5 बार पिलाया करें, तो इसके दिमाग पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और थायराइड भी कम होगा, और वेट, थायराइड कम होने से ही इसका वेट भी कम होगा। अगर वेट बढ़ गया है तो और बहुत फायदे मुमकिन है। तो सपना जी, देखिए, सबसे पहले आप थायराइड का इलाज कीजिए, और जो नुस्खे यहाँ पे आपको बताए हैं हकीम साहब ने, वो ज़रूर अपना लीजिएगा। ज़रूर अपनी बेटी को उसका सेवन करा लीजिएगा। कितने ग्राम सेवन करना है, कैसे बनाना है, किस तरह से, आप लोगों को हर एक बात का ख्याल रखना है। आप सभी ये बात यहाँ पे जान रहे हैं, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठ पाते हैं, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप लोगों को बातें याद नहीं रहेंगी, जब तक आप लोग बार बार बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक कैसे आप अच्छे से हर एक नुस्खा बना पाएंगे दर्शकों। तो आप सभी से कहती हूं इसलिए कि टीवी का वॉल्यूम कम करें, कॉपी पेन लेके बैठें, और हर एक बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगर दर्शकों बात की जाती है अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी हिंदुस्तान में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा आप सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप उनसे लाइव बात कर सकते हैं। आप बस इन नंबर्स पे कॉल कीजिए तुरंत, जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। बाकी जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है, निराश नहीं होना है, हेल्पलाइन नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी आशा जी, सवाल करिए अपना। मुझे वैद्य जी से बात करनी है ना। जी आशा जी, आदाब, बताइए क्या सेवा है। हाँ जी नमस्कार जी आदाब। मेरे को ये सर, मेरे को 10-12 साल से शुगर है, और थोड़ी सी हार्ट में, मतलब ब्लॉकेज कोई नहीं है, पावर कम है, और मेरे को ना कुछ भी, मतलब गर्म चीज कुछ भी नहीं खा सकती, जैसे कोई काले मिर्च है या गर्म मसाला या मतलब ऐसी कोई भी तीखी, वो तो बिल्कुल खा ही नहीं रही हूँ मैं। तब भी 4-5 में गले से लेकर और कलेजे तक जलन होती है, और पेशाब में भी बहुत जलन रहती है। ठीक है, एज बता दीजिए आयशा जी। एज 57 साल। तो देखिए, एक ऐसा भी नुस्खा है जिससे आपने जो कुछ बताया है, शुगर, बेचैनी, जलन वगैरह वगैरह, और हार्ट की मजबूती के लिए दुनिया की बेहतरीन एक दवा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और यह है सिरका जैतून। जैतून का सिरका, जैसे हर चीज़ का सिरका आता है, प्याज का भी सिरका आता है, सेब का सिरका आता है, लेकिन जैतून का सिरका ज़रा मुश्किल से मिलता है। कोई परेशानी हो तो आप हमारी सेवा भी ले सकते हैं। 3 चम्मच जैतून का सिरका रात को पानी में डालकर आप पी लिया करें, 1 गिलास पानी में, ज़रूरत हो तो दिन में भी पी सकते हैं। यह आपको बिल्कुल हष्ट पुष्ट रखेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा काफ़ी, और वो दवा भी खाते रहें जो आप खाते हैं, और शुगर की दवाएं जो नुकसान पहुंचाती है
उन नुकसानात को रोक लेता है। किडनी का बड़ा ख्याल रखता है, इन्फेक्शन का, एसिडिटी का, जलन का और कोलेस्ट्रॉल का, ये सब काम करता है। लीवर का बड़ा ख्याल रखता है। आप इसे लेके देखें, आप बहुत सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं जी। इसी के साथ फरीदाबाद से शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, बताइए। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम मेरी एक बेटी है, करीबन 15 साल की एज है उसको, जब वो सुबह उठती है तो उसको छींकें बहुत आती हैं। अच्छा। हाँ, लगातार छींक आती है। ठीक है। हाँ देखिए, बच्चों में ये कुछ को बचपन से ही ये परेशानी हो जाती है, और जिसको भी छींके आए, नज़ला रहे, खांसी रहे, कफ रहे, बलगम रहे, तो आप उसको समझ जाना चाहिए कि ये वो बच्चा है जिसमें, या बड़ा है जिसमें इम्यूनिटी की कमी है। इनकी इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, इनका ठीक होना मुमकिन है। इम्यूनिटी की दवा अब हर शख्स को लेनी चाहिए, जब से ये महामारी आई है। जो तंदुरुस्त हैं, जो सेहतमंद हैं, उनको भी लेनी चाहिए, और इस बच्ची को तो ख़ास तौर पर लेनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए एक दवा है जो बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन 5-6 महीने लगातार लेना चाहिए इस बच्ची को, और वो है माजून आर केयर। सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाली पेट गर्म पानी के साथ। खट्टी चीज़ें इनको छोड़नी चाहिए, इलाज के दौरान खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तो बहुत जल्द फायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं मीना जी, नोएडा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। भाई जान नमस्कार जी। आपसे बात हुई, इसकी बहुत खुशी है मुझे। मेरे साथ परेशानी ये है, मेरी नसों में बहुत कमजोरी रहती है और पेट खराब बहुत रहता है, ड्राई हो जाता है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, मुझे नींद कम आती है, याददाश्त कम हो गई है, ये परेशानियाँ। एज बता दीजिए। मेरी एज है 62, हाइट है 5'3", वजन है 70 के नियर रेस्ट होगा। ठीक है। मैंने शुरू से जी जी कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैं कहती हूँ शुरू से देसी दवाइयाँ ज्यादा खाती हूँ मैं, लेकिन अब ज्यादा हो जाती हूँ। देसी नुस्खा बता रहा हूँ आपको, दो दवाएं बताता हूँ, वो अलग अलग लेकर खाएं आप। एक दवा आती है जिसको गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद। ये देखने में तो काला और बदसूरत और कड़वा, और इसमें बड़ी बुराई है देखने के लिए, लेकिन फ़ायदे में ये दुनिया में अव्वल नंबर पर है। एक रॉ मटेरियल है, असली लेना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल लें, घर में पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाया करें। ये 100-200 ग्राम ख़रीदने पर, अगर आप इसको ख़त्म भी नहीं कर पाते, कि आपको फ़ायदा हो जाता है, बेशतर इसके ऐसे रिज़ल्ट हैं। और एक नमक आता है, नमक जैतून, जैतून का नमक, ये आधा आधा ग्राम अगर आप पानी में मिला कर लें, तो आपके जो दूसरी परेशानी है पेट की, और वज़न भी कम करता है ये, पेट को बहुत फ़ायदा करता है, एसिडिटी को, कब्ज़ को, और नींद सुकून बख्श बहुत है, सुकून बहुत होता है दिमाग में, आदमी को नींद भी अच्छी आती है रात को। ये दोनों कोशिश करके आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं कल्पना, हरिद्वार से हमारे साथ, स्वागत है कल्पना जी आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। मैम जो मेरी मदर है ना, उनको कब्ज की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैम उनके ना कब्ज की वजह से ना पेट में मतलब सही से वो फ्रेश नहीं होती, और बीपी का भी प्रॉब्लम लगता है, और इनकी आइज के नीचे ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है। एज क्या है उनकी? उनकी एज मैम 50 के आसपास होगी। ठीक। देखिए, जिसको भी ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, उसकी एक निशानी है। हम समझते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, उसने नस पकड़ी और कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत है, लेकिन हर चीज़ की चेहरे पर निशानी होती है। ब्लड प्रेशर वालों का ये हिस्सा नीचे का सूजावा हुआ होता है। अगर ये तनावा हो तो समझ लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर ये थोड़ा बिछावा हो तो समझ लो कि ब्लड प्रेशर कम होने लगा। ब्लड प्रेशर वालों के लिए, पेट की प्रॉब्लम वालों के लिए, और जो भी आपकी मम्मी को प्रॉब्लम है,
फ्रेश नहीं हो पाते, तो उनके लिए एक नुस्खा है और ये बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है और कोलेस्ट्रॉल से भी बचाता है। जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में खाने के बाद पानी में मिला कर लें, छोटे चाय के चम्मच, तो आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं कपूरथला से हमारे साथ, परमिंदर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं? जी जी, आदाब, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी आदाब, मैं कपूरथले तो बोल रही, परमिंदर कौर जी। हाँ जी, मेरी एज 49 ईयर। ठीक है, मैनू शुगर की प्रॉब्लम और मेरी ना जीभ नहीं साफ होंगी, जीभ ते वाइट जिहा परत जमी रहिंदी आ, स्वाद नहीं आता कोई भी। और कुछ कहना चाहती है? नहीं, एक शुगर है मुझे और मेरी आंखों के नीचे ना थोड़ी स्वेलिंग सी रहती है। ठीक है, हाँ तुसी गल सुन लो मेरी। एक सिरका आंदा है जी, एक बहुत मुश्किल से मिलता है, किसी तरह भी हासिल करो। ओ सिरका जी, जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात नाल पानी विच मिला के पियो, 1 गिलास पानी में, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं उनका निदान मुमकिन है। तो बिल्कुल, देखिए आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको कितना फ़ायदा मिलता है। बहुत सरल हैं ये नुस्खे जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। अगर कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में आपको मुश्किल होती है या फिर असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं, लगातार आप लोगों को हकीम साहब कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि असली ही रॉ मटेरियल आप लोगों को लेना है, तो मार्केट से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अगर थोड़ी सी देरी हो जाती है दर्शकों, तो डरना नहीं है क्योंकि असली रॉ मटेरियल ही आपके घर तक पहुँचाया जाता है। डिलीवरी रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या मेडिसिन रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, नुस्खों रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अजीत जी, स्वागत है आपका, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। ठीक है, सवाल करिए। तो डॉक्टर साहब, हकीम साहब से मेरी गुजारिश थी कि मेरी पत्नी है अनीता, उन दोनों किडनियां खराब हो, तो अभी डायलिसिस होता है उनका अक्टूबर से। कितनी बार होता है एक हफ्ते में? हफ्ते में 2 बार करते हैं जी, बीच में भी उन्होंने कहा था पेट में पानी भर जाता है तो 10 दिन बाद 5-5 लीटर निकलवाना पड़ता है। महीने में कम से कम 3 बार पेट से पानी भी निकलवाना पड़ता है। ठीक, अब उन्होंने भूख रहा है डायलिसिस। अच्छा, देखिए अब पूरी तरह उनकी अगर किडनी ख़राब हो गई है तो किसी दवा से कोई फ़ायदा मुमकिन नहीं है। लोग कहेंगे कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इनमें जान बाकी होती तो हम इनके लिए कुछ कर सकते थे, और अब बिल्कुल डैमेज हो गई हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। आप इनकी खूब सेवा करें और मैं इस बारे में शायद कुछ नहीं मदद कर पाऊँगा।